गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी के एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 22 में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर से। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेसांस लो इन इकोनॉमी रिलेट टू, सो आंसर है यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, जो मुद्रा का जो प्रसार है, मतलब करेंसी का जो सर्कुलेशन है उस पर रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस, सो आंसर है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 3, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर एनर्जी, सो आंसर है भाखरा नांगल। जो भाखरा नांगल है वो उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो वो बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है और उसके साथ साथ बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नदी के ऊपर भाखड़ा गांव के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीबन 226 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, कंज्यूमर वेलफेयर इज इंडिकेटेड बाय, आंसर है नन ऑफ दिस अबोव, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए सेविंग जो कि नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। सो यहाँ पे जो कंज्यूमर वेलफेयर आखिर है क्या, तो कंज्यूमर वेलफेयर रिफर टू एन इंडिविजुअल बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इन थियरी इंडिविजुअल वेलफेयर इज डिफाइंड बाय एन इंडिविजुअल्स ओन असेसमेंट ऑफ हिज और सेटिस्फैक्शन गिवन प्राइस एंड इनकम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अंत्योदया स्कीम इज मीन टू, आंसर इज टू हेल्प द इकोनॉमी वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6, मिक्स्ड इकोनॉमी रिफर टू, आंसर है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि जो सार्वजनिक और साथ ही में जो निजी क्षेत्र है उसका सअस्तित्व बनाए रखना वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन 7, लार्जेस्ट नेशनलाइजेशन बैंक इन इंडिया इज obviously state bank of India. Question number 8, grants in aid is given to the state for, मतलब कि जो अनुदान के लिए जो राज्य को दिया जाता है वो क्या है, तो improving the development of backward areas, मतलब कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उनके विकासों में सुधार आए। क्वेश्चन नंबर 9, what is the main objective of the rural development program, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर है टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया कवरिंग रिसोर्सिस एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ, मतलब कि जो ग्रामीण भारत के संसाधन और सामूहिक जीवन के सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को कवर करने के लिए समग्र विकास करने के लिए इस प्रोग्राम का उद्देश्य है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, अंत्योदया स्कीम इज एम्ड फॉर, आंसर है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट अमोंग द पुअर। क्वेश्चन नंबर 11, नाबार्ड विच इज सेट अप टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट इज, आंसर है बैंक, जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए जो स्थापित किया गया है वो क्या है, तो वो बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड स्टेस ऑन, पहले पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था, तो आंसर है कौन सी योजना दी थी, एग्रीकल्चर था। क्वेश्चन 13, स्टेट्स अर्न मोर रिवेन्यू डायरेक्टली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, तो आंसर है एक्साइज ड्यूटीज, मतलब कि जो उत्पादक शुल्क रहता है उससे ज्यादा टैक्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टैक्स इज नॉट लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आंसर है प्रोफेशनल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15, इफ इंस्टेड ऑफ वुडन फ्लोर आयरन फ्लोर आर यूज्ड इट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ, आंसर है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब कि यदि लकड़ी के हल की बजाय लोहे के हल का उपयोग किया जाता है तो उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एग्जांपल रहेगा उसका, सो वो रहेगा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।